उस पेमेंट से कितना में खर्च हो गया, दो लिए तो खर्च हो गया। तन पूजी के दिन तो घुरा घुरा नींद। हाँ, तन पूजी के भाई बहुत तन पूजी है लड़के ने। तो दानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और गुरु जी के भी चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं, अभी पिटता वाला नहीं बोलता। हेलो दगड़ियो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश बिश ऑफिशियल। आई होप मेरे सभी दगड़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दगड़ियो, आज की ब्लॉग स्वस्थ होगी भाई दोपहर के आपके 2 बजे से, ठीक है। और दगड़ियो, मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ भाई बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में। YWCA सभागार है, वहाँ पर है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। पूर्वांचल सेवा समिति चंपावत की वो टीम है, संस्था है, तो वो लोग जो है 2 दिवसीय, मतलब आज 15 प्लस 16, 2 दिन जो है वहाँ पे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच रही है और तमाम बड़े बड़े कलाकार वहाँ पहुँच रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं अभी मुझे कंफर्म पता नहीं कौन पहुँच रहा है, पर वहाँ पे जो है बड़े हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोग गायक लोक कलाकार पहुँच रहे हैं वहाँ पर। और दगड़ियो, कुछ लुक चेंज कर दिया भाई मैंने आज, सब कुछ कटा दिया भाई। ठीक, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मतलब ये तो इचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से ब्रीड रखी हुई है भयंकर वाली, तो मतलब काट दिया है। और गर्मी इतनी हो रही है तो आप सभी के लिए जो है सोचा कि भाई ब्लॉग बनाने जाए और कुछ हमारी संस्कृति झलक जो है आपको दिखाया जाए। और जैसे ही आपको पता है कि भाई बाहर बहुत गर्मी है और सिर्फ आप लोगों के लिए जो है अपनी संस्कृति के लिए जो है मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम में, जिससे कि आपको इस ब्लॉग के माध्यम से अपनी संस्कृति और हमारे पहाड़ की संस्कृति दिखे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। फिर आपको क्वेश्चन पूछा मुक्की भाई यार कि यार आप जा रहे हो अपने लालच के लिए, मतलब ऐसे आप जाओगे परफॉर्म करोगे पेमेंट लोगे। भाई हाँ, पेमेंट मिलती है, लाखों पेमेंट मिलती है हम लोगों को, आप सभी जानते होंगे। इतनी गर्मी में हम लोग वहाँ जा रहे हैं, पेमेंट इतनी मिलती कि उस पेमेंट से हमारा सिर्फ खर्चा निकलता है। खर्चा इंसेंस की हमारा कन्वेंस हो गया, थोड़ा बहुत अपना जो खर्चा है वो निकलता है बस। भाई इतनी पेमेंट नहीं मिलती हम लोगों को, हम सिर्फ सेवा दे रहे हैं अपने संस्कृति को। हम किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह इस मुकाम तक हासिल हो हमारी संस्कृति और देश प्रदेश में जो हमारी संस्कृति बस बनी रहे, छाई रहे, हम हमारी कोशिश यही है। आज 23 साल हो गए काम करते करते और हमेशा यही सोचा है कि भाई ज़िंदगी में अपनी संस्कृति को किस तरह, हमारा जो ग्रुप है PKS ग्रुप, किस तरह एक साथ होकर हम लोग जो है अपनी संस्कृति को कहाँ से कहाँ पहुँचाएँ, कोशिश हमारी ये जारी है। भाई पैसों में हम लोग काम नहीं करते हैं, स्वच्छताओं को आपको लगता होगा कि यार भाई पैसों में काम कर रहे हैं। देखो 2:30 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। मैं जाऊँगा पहले मेट्रो स्टेशन से, आज आपके पिंटू भैया नहीं आ रहे हैं, पिंटू भैया तबियत खराब रखी, नीरज भैया की वो नहीं आ रहे, तो मेट्रो स्टेशन जाऊँगा, वहाँ पर हमारी फ्रेंड मिलेगी, ठीक है। वहाँ से हम दो जाएंगे भाई तुम्हारे बंगला साहब CP साइड, ठीक है। वहाँ पर बुलाया हमें, 4:30 बजे बुला रखा है, 4:30 बजे दोपहर बुला रखा है, ठीक है। प्रोग्राम होना है 6 बजे, अब जो 4:30 से 6 के बीच में जो गैप है, अब 6 बजे संस्था ने बुलाया प्रोग्राम होने के लिए, तो भाई 6 बजे प्रोग्राम तो होता नहीं है, ये भी आप सब जानते होंगे, जो जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मेरे संस्कृत प्रेमी हैं, जो टाइम देता है उस टाइम पर प्रोग्राम नहीं होता है। अब सोचो 4:30 से 6, 6 के बाद आधे घंटे 1 घंटा और, तो सोचो कितनी मेहनत करते हैं हम लोग यार। सर तो हमको आपको लगता होगा यार हाँ जा रहे हैं ये कर रहे हो, कहते भाई ये हाथ खराब आती कर सकता हूँ, मेहनत है बस सिर्फ अपने संस्कृति के लिए भाई। तो बने वीडियो साथ और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पेमेंट कमेंट कीजिए भाई वीडियो पर। आप लोगों का सपोर्ट है यार जो कि मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स देता है, इतनी हिम्मत दे रहा है, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है और कुछ नहीं है वीडियो। तो बने वीडियो साथ, लंच करता हूँ, ठीक है। और ये है चावल, ये है अपनी पहाड़ी दाल, बस लंच भाई वीडियो। ये है ज़िंदगी हम लोगों की यार, मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ और भाई देखो गर्मी देखो, बोलते हैं जिंदगी मुस्कुराइए आप प्रदेश में हैं, ठीक है। मेरे मित्र भाई बहुत गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है भाई, मुस्कुराए मुस्कुराए आप जो है उत्तर प्रदेश में हैं। एसी बस आती, अरे वही तो हमारे मित्र बोलते होंगे कि आप कितना पैसा कमाते हैं शो से भाई, देखो सारा पैसा पानी पीने में चला जाता है, देख लो भैया डिहाइड्रेशन ना हो। मैं कहता ना हम इतना कमाते कि हमारा पूरा खर्चा ये वाला कान बिल्कुल बंद, देख लो भाई मैंने कुछ ले लेते हैं, भूख लग रही है, भूख क्या पानी पीते हैं वाले। बैठ गए मेट्रो में, देखो उस पेमेंट से कितना खर्च हो गया, दो लिए तो खर्च हो गया,
ठीक है ना, बताओ कुछ पहले तो बताओ बताओ ठीक है, पता है पेट्रोल रिचार्ज रिचार्ज ये सब मिला के जो है समझ जाओ कितना मिलता है। तो भाई तो हम लोग लाखों का पेमेंट लेते हैं भाई साहब एक प्रोग्राम के ना, समझ जाओ इतनी महंगी कि हम मेट्रो में जा रहे हैं कोई भी मेट्रो हमारे लिए आ रही है, तो इससे बड़ी बात कर उसने दे। तो बने वीडियो साथ फिर ठीक है। हम लोग राजीव चौक और यहाँ का क्राउड देखो भाई, यहाँ देखो भाई क्राउड और ये राजीव चौक थोड़ा आराम है भाई, थोड़ा आराम है, लग रहा है कि हाँ पेमेंट लग रहा है पेमेंट ज़्यादा मिल रही है हम लोगों को ना, मेरी फिल्टर जो थी नहीं है। पूजा आ गई है देखो है, ये है भरत मिलाओ नहीं लाइव एंट्री। हम पहुंच गए हैं पटेल चौक और यहाँ तो भाषा अलग ही, म्यूजियम टाइप का म्यूजियम है ना मेट्रो स्टेशन का पूरा पर, और यहाँ पे बना बना रखा है ठीक है, और हम ढूंढ रहे हैं हमें जाना कहाँ है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, थोड़ी इमोटिवेट करो भाई अपने इंजीनियर्स, और ये मेट्रो स्टेशन है, और भाई ये जो ये है ना ये टनल के लिए जो है, ये टनल की मशीन है जो कि प्रॉपर आपको जो है टनल करती है ना, घुमाती है मतलब काटती है सुरंग को, वो ये देखो भाई। और हम लेट हो रहे हैं वैसे यार, ऐसी यार दिक्कतें बहुत देखिए। फाइनली भाई पहुंच गए हैं YWCA, तो हमारी पूरी टीम नेहा फौजी भाई हमारा हेमंत भाई ठीक है, और हमारा तो एक हमारा से गाना बताइए वो अभी गाना मैंने डाला है उसमें, मैंने यूट्यूब डाल रखा है हल्का सा आज डाला है मैंने, अपलोड हो जाएगी भाई गाना, कौन क्या नाम गाने का? तन पूजी के दिन है तो घुरा घुरा नींद। हाँ तन पूजी के भाई बहुत तन पूजी है लड़के ने, तो गाने को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और गुरु जी के भी चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अभी पिटता वाला नहीं बोल रहा तो कमेंट करना। हाँ और बाकी पहुँच गए YWCA ऑफ दिल्ली में, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी वैसे? जो भी होगा होगा, कुछ तो होगा साथ में YWCA ऑफ दिल्ली, यहाँ है आज हम लोग का प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम साथ में हमारे भगुदा भगुदा का भाई मुझे देखो भाई आज अलग लुक मारे भाई भाई हमारे अध्यक्ष साहब ठीक है, क्योंकि भाई का अभी ये गाना है शूट में जाना भाई ने, आपका शूट कब है? शूट कब है? 19-20 से जाएंगे तब तक फुल और घास जो है जम जाएंगे मूछों में ठीक है, तो भाई का गाना है तो मूछे रखनी भाई ने, ये देखो भाई भाई देख रही ये है पापे, इसे पापे बोलते हैं, मुझे आलू लेके आए हैं पापे ना पापड़ पापड़ पापे जो भी है यहाँ कब भेज रहा हूँ मुंह में डाल मुंह में रेडी होते हैं अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया 6:30 हो गए ठीक है, तो अब रेडी होते हैं और थोड़ा आज है ना भाई बहुत गर्मी थी बाहर, तो चेहरे पे थोड़ा लाल हो रहा होगा ठीक है, तो बड़े बड़े साथ फिर मिलते हैं। हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं और गेटअप कुछ इस तरह का है आज का, वंदना है बस लाइव नहीं है ऐसे ट्रैक में है, बाकी हमारे टीम में रेडी का ठीक है, और हाय गाइस बाकी आओ तप्याल कितनी खूबसूरत दिख रही है, काली मखाड़ दिख रही है, बाकी पूजा नेहा हाय गाइस, बाकी भाई फौजी भाई फौजी बोलता हूँ उसको मैं, ओहो चंबा नगर शाल दे हवा शुभम भाई हमारे जम्मू भाई सभी लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं, भगुदा पहनी कहाँ हैं ठीक है, वो वहाँ थोड़ा रेडी वेडी कर रहे हैं दिया हुआ जिला से, तो बने उठा फिर मिलते हैं। लगा आपको आज भाई पूरा ट्रैक में था, और सोचता हूँ भाई आज स्पीकर भी नहीं है
दो स्पीकर हैं और छोटे छोटे स्पीकर हैं, तो उसमें आप सोच लो किस तरह हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जो है लाइव परफॉर्मेंस देते हैं। तो भाई हिमू भाई, आपको कैसा लगा भाई आज? बहुत बढ़िया लगा हमें। बहुत बढ़िया लगा, भी मजा आया मंच में पक्का? तो मेरे भाई लेकिन स्पीकर दो ही थे आज, ठीक है, लेकिन रिदम मतलब पैर उठ नहीं रहे थे, लेकिन ठीक है जो भी है बढ़िया, हमें अपना काम देना भाई, अपना कल्चर दिखाना आगे। तो बस अब देखो लड़कियों का यह है भुर भुरु क्या है, भुरभुरु उजाओ, हाँ भुरभुरु उजाओ का गाना है, बहुत पुराना गीत है, तो उसमें जो है हमारी टीम जो परफॉर्म कर रही है। अपने परफॉर्मेंस देखी लड़कियों की जो है, जो हमारे ग्रुप की लड़की है, उन्होंने जो है किस तरह, हमें जो अभिनेत्रियाँ हैं उन्हें किस तरह परफॉर्मेंस दी है भाई उस एक्ट पे, तो अब देखा हुआ। और दगड़ियो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, दगड़ियो कैसा लगा आप सभी को यार, दगड़ियो ठीक है। ये हमारा नीरज भाई, और नीरज भाई आप क्या क्या कर रहे हो अभी? जो दूसरा तीसरा गाना है हमारा अलगत, अभी बहुत मेरी दुर्गा रह गई, दुर्गा के पुष्पा, दुर्गा है और दुर्गा मेरी यहाँ पे बैठी हुई। अरे बाबा दुर्गा यहाँ बैठे, तो कहाँ से लगी तुम्हारी दुर्गा? कंचन हाय हाय मेरे, अच्छा टीना, अरे बाबा हो टीना सीधा वहाँ से आई है, जर्मनी से आ गई है, ठीक है ढूंढ ढांड के गाँव से आई है, उत्तराखंड से। गाँव के थी जीना जी, अच्छा तो एक थोड़ा सा ये दो गाने दो सब सुना दो। आंगड़ी मखमली दाज
और मिल गई हमारी दुर्गा मिल गई दुर्गा में दुर्गा जो थी वो मेरे पास ही थी ठीक है और ये सब दुर्गा के दोस्त हैं जो कि उसको ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिली थी दुर्गा दुर्गा से मेरे पास थी उस वक्त हम मेरे साथ में ढूंढ रहे थे अब मेरे को बता कि दुर्गा मेरे पास ही है ये डाउट है मुझे डाउट था इसमें था भाई मेरे पास हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो चुका है आज का और हम लोग जा रहे हैं भाई घर और कुछ हमारे कलाकार जा रहे हैं भाई बंगला साहिब ठीक है और ये साथी कलाकार हमारे हैं ये जा रहे हैं भाई सीधे ये जाएंगे गुरुद्वारा हाँ हम जाएंगे अपने घर क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है भाई और ये मिल रहे हैं तीनों ने बेइज्जती कर दी बेइज्जती भाई ने तो दड़ियो मतलब होट भी सूख रहे हैं यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना 10,000 तो बने ट्यूशन फिर मिलते हैं तो भाई तगड़ियो मैं पहुंच गए हैं राजीव चौक मैं क्या दो हमारे भाई पहुंच गए हैं फौजी भाई हमारे हिंदू भाई में पहुंच गए हैं राजीव चौक यहाँ से जाएंगे सेक्टर 16 वहाँ से मिलो वहीं ड्रॉप हो जाएंगे और मैं जाऊँगा आगे की तरफ ठीक है फटी हुई है भयंकर गर्मी से वहाँ से पहुँच जाओ घूट सूख गए भाई पानी मिलने रहा है तो बड़े उठ जाए तो भाई तगड़ियो फाइनली मैं 12:30 बजे घर पहुँच गया था भाई क्योंकि आज हमारे साथ दिनेश भाई हमारे प्रधान जी भी नहीं थे तो थोड़ी दिक्कत ही हुई मेट्रो में आने जाना ये सफ़र ये जो भी है बहुत दिक्कत हुई मुझे ये तो गर्मी बहुत हो रही थी और सर ने भी हेडक मतलब सर में तो दर्द हो रहा है कि क्या बताओ आपको तो दगड़ियों आज का जो ब्लॉग था वो था भाई पूरा ब्लॉग था भाई ब्लॉग क्या मैं पूरा प्रोग्राम था भाई ट्रैक में लाइव कुछ नहीं था ट्रैक में था तो आज कोई सिंगर नहीं आए थे और अब पूरा गाना ट्रैक में था तो भाई कोशिश की आप सभी को जो है कुछ अच्छा करके दिखाएं और ट्रैक भी था हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी के जो सॉन्ग थे उस समय के तो वो हमने जो है परफॉर्मेंस दी उन गानों के बारे में परफॉर्मेंस दी उसमें म्यूज़िक इतना कुछ नहीं होता था अब तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है बढ़िया हो गया है ठीक है उस समय नॉर्मल होता था मिठास होती थी गाने में हाँ गाने में शब्द थे उस समय गानों में शब्द थे तो हम लोगों ने उसमें परफॉर्मेंस दी है तो कैसा आपको लगा दगड़ी हो तो जरूर बताएं और आई होप कि आप सभी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार कमेंट कीजिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जय उत्तराखंड।